नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों को बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के खाते में आई पीएम किसान सम्मान की 18वीं किस्त। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं स्टेटस। जाने क्या है प्रोसेस। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। रोजगार के लिए युवाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। 9 अक्टूबर को सभी जिलों में लगेंगे लोन वितरण शिविर। 2 से 2.5 दशक पुराने पुलियों का बनेगा हेल्थ कार्ड। पथ निर्माण मंत्री ने दी जानकारी। स्मार्ट क्लास का अल्पसंख्यक मंत्री ने किया उद्घाटन। राज्य सरकार हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को करेगी सख्त। हेलमेट पहनने के प्रति चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान। परिवहन सचिव ने जारी किए निर्देश। जाने क्या है डिजिटल अरेस्ट का मतलब। साइबर ठग इसके जरिए कई लोगों को बना रहे शिकार। इससे बचने के लिए बताए गए वेबसाइट और नंबर पर करें संपर्क। आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का आगाज। ग्वालियर में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं लाइव। फसल सहायता योजना खरीफ 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 31 अक्टूबर है आवेदन की अंतिम तारीख। आवेदन के समय फसल बुआई व रकबा की देनी होगी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड द्वारा ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 108 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज नवरात्रा का 4था दिन है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा आराधना होगी। साथ ही आज विनायक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। वहीं बीते दिन मां दुर्गा के 3रे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों में नवरात्रा को लेकर धूम है। जगह जगह पूजा पंडाल का आयोजन भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 76,18,784 किसानों के बैंक खातों में 1552 करोड़ रुपए की 18वीं किस्त भेजी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि ये योजना किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर किसान अपने लाभार्थी स्टेटस की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे उचित उत्पादन और फसल उपज कर सके। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को वार्षिक 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। ये हिंदी सिनेमा और कई टेलीविजन शो में भी नजर आ चुके हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1963 में दरभंगा में हुआ था। इनके द्वारा किए गए प्रसिद्ध फिल्मों में वजूद, सत्य, राजकुमार, बंटी बबली, टैंगो चार्ली, गोलमाल, बॉम्बे टू गोवा, गोलमाल रिटर्न्स, भूल भुलैया, भक्षक आदि शामिल है। वहीं टीवी शोज में हिप हिप हुर्रे, ब्रेक के बाद आदि शामिल है। संजय मिश्रा मुख्य रूप से कॉमेडी अभिनय के लिए जाने जाते हैं। 2 से 2.5 दशक पुराने पुलियों का हेल्थ कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। नए पथों की आवश्यकता को लेकर आकलन भी किया जा रहा है। इस वर्ष 90 परियोजनाओं को पूरा किया गया है और मुख्यालय स्तर पर सभी अंचलों में कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों के पथों व पुलों की मरम्मत जल्द की जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पटना में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें रोजगार के अवसर भी शामिल हैं।
15 दिनों के अंदर प्रदेश में बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को चालू कर दिया जाएगा। इसका फैसला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED की तरफ से बैठक के दौरान लिया गया। विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने 15 दिनों के अंदर व्यापक मरम्मत वाली जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने का निर्देश कार्यपालक अभियंताओं को दिया है। बैठक के दौरान विभाग ने कहा है कि पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 1188 योजनाओं में व्यापक मरम्मत की जरूरत है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग से 70,157 जलापूर्ति योजनाएं हस्तांतरित हुई थी, जिसमें 46,855 पूर्णतः और आंशिक रूप से कार्यरत थे, लेकिन रख रखाव के अभाव में 23,302 योजनाओं को चालू कर दिया गया और 1188 योजनाओं को वृहद मरम्मत के बाद चालू करने की योजना है। बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिए सभी जिलों में 9 अक्टूबर को राज्य सरकार की तरफ से लोन वितरण शिविर लगाए जाएंगे, ताकि युवाओं के व्यावसायिक सपने को साकार करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सके। उद्योग विभाग को इस पूरे कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 9 अक्टूबर के अलावा इस कार्यक्रम का आयोजन 5 नवंबर और 3 दिसंबर को भी किया जाएगा। लोन वितरण के लिए लगाए जा रहे शिविर में PMEGP, PMFME और PM विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को लोन दिए जाएंगे। उद्योग विभाग के मुताबिक इन योजनाओं को अधिक प्रचार करके अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ दिलवाना है। राज्य सरकार ने दो पहिया वाहनों से होने वाली घटनाओं को देखते हुए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को और प्रभावी बनाने का फैसला किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाए। इसमें हेलमेट जाँच, जन जागरूकता कार्यक्रम और अन्य गतिविधियाँ शामिल होंगी। पिछले वर्ष राज्य में 3,203 दो पहिया चालकों की मौत हुई थी, जिनमें से अधिकांश हेलमेट न पहनने के कारण हुई थी। सचिव ने बताया कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। बिना हेलमेट चलाने पर गंभीर चोटों का खतरा रहता है। उन्होंने सभी चालकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट ही पहने। हाल के दिनों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे ठग लोगों को डराकर ठगी का काम करते हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई ऐसे मामले देखे गए जहां लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगने का प्रयास किया गया। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाकर डराना, जिससे वे पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। आमतौर पर ठग खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं। इससे बचने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और संदिग्ध कॉल पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा कॉल की पहचान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइटों पर सत्यापन करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाया गया है। अब इसी बीच प्रदेश के सभी पूजा पंडालों में स्वच्छता से लेकर संबंधित बैनर पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वच्छता प्रोत्साहन के लिए उन पूजा समितियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो स्वच्छता के मापदंडों को पूरा करेंगे। प्रथम आने वाले पूजा पंडाल को ₹10,000 इनाम के रूप में दिए जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी पूजा समितियों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य के 38 नगर निकायों को विभाग की तरफ से पुरस्कार की राशि देने के लिए ₹18,000 देने की बात भी सामने आई है। इस संबंध में नगर एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने विभागीय निर्देश भी जारी किए हैं। स्वच्छता के मामले में पूजा पंडालों की रैंकिंग, पंडाल की संपूर्ण साफ सफाई, अपशिष्ट का उचित प्रबंधन, महिला एवं पुरुष शौचालय, डस्टबिन, दर्शनार्थी महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग, साफ सुथरे जगह पर फूड स्टॉल, पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी, मेला स्थल पर सैनिटरी नैपकिन और हैंड सैनिटाइजर के आधार पर होगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2024 के मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। इस योजना के तहत थ्रेस होल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक की क्षति होने पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। वहीं थ्रेस होल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% से अधिक की क्षति होने पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। इस योजना के लिए रैयत, गैर रैयत और आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को फसल व बुआई के रकबे की जानकारी देनी होगी। आवेदन के दौरान रैयत किसानों के पास अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र और स्वघोषणा पत्र होने चाहिए।
वहीं गैर रैयत किसान के पास वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र होने चाहिए। वहीं रैयत एवं गैर रैयत किसान के पास अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, स्व घोषणा प्रमाण पत्र। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperative पर जाना होगा या टोल फ्री नंबर 1800-1800-1100 पर संपर्क कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। ये आवेदन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए भरे जा रहे हैं। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए इच्छुक छात्र या अभिभावक NVS के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने वाले छात्रों की परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित होगी। परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों को एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। कई वर्ग के लोगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। इसके लिए किसानों को कृषि सिंचाई के लिए प्रति यूनिट 6.74 रुपए लगते हैं, जिसमें राज्य सरकार 6.19 रुपए वहन करती है, जिससे उपभोक्ताओं की वास्तविक भुगतान दे महज 55 पैसे होते हैं। वहीं BPL ग्रामीण उपभोक्ता कुटीर ज्योति की बात करें तो इन्हें प्रति यूनिट बिजली 7.42 रुपए में मिलती है। सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि 5.45 रुपए है, जिसमें उपभोक्ताओं की वास्तविक देय 1.97 रुपए होती है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की बात करें तो इनकी वास्तविक देय 2.45 रुपए है। ग्रामीण क्षेत्र के व्यावसायिक उपभोक्ताओं की वास्तविक देय 3.35 रुपए और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4.12 रुपए है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल सुनिश्चित कराने से संबंधित योजनाओं के बिजली दर में प्रदेश सरकार द्वारा 70% अनुदान दिए जा रहे हैं। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत 92% छूट की वजह से डीजल की तुलना में बिजली से सिंचाई 10 गुनी सस्ती हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का कम भार पड़ रहा है। इस नवंबर राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एशियाई महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। यह आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच में होने वाला है। इसमें 6 टीमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के सभी मैच के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की है। आपको बता दें कि 3000 दर्शक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी मैदान में बैठ सकेंगे। साथ ही यहां हर दिन 3 मैच का आयोजन होगा, जिसका लाइव प्रसारण भी देखने को मिलेगा। बोधगया के 5-स्टार होटल में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। इसके प्रतियोगिता को लेकर शहर के सौंदर्यीकरण के साथ यातायात की दुरुस्त व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा बीते दिन सीएम नीतीश ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए लोगो डिजाइन और शुभांकर यानी मैस्कॉट का अनावरण भी किया है। सरकार ने खटार और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन उनका डेटा सुरक्षित रखा जाएगा ताकि चोरी के वाहनों को स्क्रैप होने से रोका जा सके। परिवहन विभाग ने 15 जिलों में 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी है, जिसमें पटना में 5 और वैशाली में 3 सेंटर शामिल है। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अनुमति आवश्यक है। इन केंद्रों को अधिकतम 10 साल का लाइसेंस मिलेगा। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कोई भी व्यक्तिगत तौर पर या फर्म, सोसाइटी या ट्रस्ट के जरिए वाहन स्क्रैप सेंटर खोल सकता है। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। ऐसे कबार केंद्रों को अधिकतम 10 साल के लिए लाइसेंस मिलेंगे, इसके बाद नवीकरण करवाना होगा। छोटे वाहनों का स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम 4000 वर्ग फीट और बड़े वाहनों के लिए 8000 वर्ग फीट जगह अनिवार्य की गर्ट है। केंद्र खोलने वालों से 1 लाख निबंधन शुल्क तो 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी ली जाएगी। नौकरी बदलते समय PF ट्रांसफर का झंझट खत्म करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है। अब नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को मैनुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप नए नियोक्ता के साथ अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UN लिंक करते हैं तो EPF बैलेंस अपने आप ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी सरल है और आपको SMS या ईमेल के जरिए ट्रांसफर स्टेटस की जानकारी मिलती है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि आपका UN सक्रिय हो, आधार से वेरीफाई हो और आपके पुराने तथा नए नियोक्ता से लिंक किया गया हो। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होता है तो आप मैनुअल रिक्वेस्ट कर सकते हैं या EPFO से संपर्क कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके सभी KYC विवरण अपडेट हैं।
बिहार के कई जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इन संभावनाओं के बीच उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। तापमान में कमी से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। बिहार में शराब बंदी के बावजूद अक्सर शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लावारिस हालात में ट्रक को पकड़ा है, जिसमें करीब 70 कार्टन विदेशी शराब मिले हैं। उत्पाद विभाग के मुताबिक टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की खेप छपरा के रास्ते मुजफ्फरपुर में पहुंच रही है, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई में 70 कार्टन शराब ट्रक से जब्त किए गए। फिलहाल शराब माफिया की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बीते दिन पटना स्थित जदयू के दफ्तर में नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने की थी। बैठक के दौरान 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। नीतीश कुमार ने जदयू के नेताओं को आश्वासन दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। इस दौरान उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का भी वादा किया। इसके साथ जदयू ने एनडीए के साथ भी रहने की बात कही, साथ ही कहा कि वे महागठबंधन में अब दोबारा नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश ने पार्टी पदाधिकारियों को कहा कि जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को गिनवाएं। वहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना उनका काम रह गया है। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में बिहार सरकार की नाकामियों पर आलोचना की है और उन्हें डबल बुलडोजर सरकार करार दिया है। उन्हें राज्य में गरीबी, पलायन और बाढ़ की गंभीर समस्याओं को उजागर किया और कहा कि विकास का दावा बेमानी है। आपको बता दें कि भाकपा माले बदलो बिहार न्याय यात्रा शुरू कर रही है, जो 16 से 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 5 प्रमुख यात्राएं होंगी। यात्रा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर जन संवाद आयोजित किए जाएंगे। दीपांकर भट्टाचार्य ने बाढ़ राहत के लिए सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं। ये कहते हुए कि 7000 रुपए की राहत अपर्याप्त है, उन्होंने सर्वदलीय बैठक और विधानसभा के विशेष सत्र की मांग की है। यात्राओं का रूट चार्ट नवादा से पटना, सासाराम से आरा, जयनगर से विभूतिपुर, भितरवा से मुजफ्फरपुर और सिवान से छपरा तक होगा। मनोज भारती प्रशांत कसोर की जन सुराज की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मनोज भारती ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनका राजनीति में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रशांत कसोर ने उन्हें कई बार फोन भी किया था, जिसे उन्होंने कई बार इग्नोर भी किया, लेकिन उनके मन में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था और इसी जज्बे ने उन्हें जन सुराज की तरफ खींच लाया। उन्होंने बताया कि पत्नी के कहने पर वे प्रशांत कसोर की मुलाकात के लिए राजी हुए थे। आगे उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कई तरह की विद्याएं हैं, शौक है जो मैं अपनी शांति के समय में करना चाहता था। मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं अपनी शांति भंग करूं, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा ही नहीं था। जदयू ने अपने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। अब इस मामले पर बिहार में एक बार फिर से पोस्टर राजनीति का मामला गर्म हो गया है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस पोस्टर को देखने के बाद लगता है कि जदयू कार्यकर्ताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रेशर बना रही है। यही कारण है कि जदयू के कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए कुछ से कुछ लिखकर बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि अब वो दिन भी आ गया है कि नीतीश कुमार एनडीए में है और नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं को अपने नेता के लिए अपनी ही सरकार से मांग करनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का प्रेशर बना रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में होगा। यह स्टेडियम 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। मैच का समय शाम 7 बजे है, जबकि टॉस आधे घंटे पहले शुरू होंगे। दूसरे मैच का आयोजन 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है और तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। मैच का लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स 18 के नेटवर्क पर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियो सिनेमा पर उपलब्ध है। भारतीय टीम के नेतृत्व सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन सांतो संभालेंगे।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1862 में भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ था। आज के दिन वर्ष 1935 में भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले डी घोष का बंगाल में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में वैश्विक मंदी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकद सुरक्षित अनुपात में 0.5% की कटौती का फैसला लिया था। मेटा ने अपने नए एआई टूल मेटा मूवी जेन के जरिए फिल्म मेकरों और वीडियो बनाने के शौकीनों को आकर्षित किया है। ये टूल यूजर्स को सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के माध्यम से हाई क्वालिटी वीडियो और कस्टम साउंड ट्रैक बनाने की सुविधा देता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो महज लिखने मात्र से ही वीडियो आसानी से बन जाएगा। मेटा मूवी जेन, जो मेटा के पूर्व एआई प्रोजेक्ट्स पर आधारित है, मौजूदा वीडियो को भी एडिट कर सकता है। ये 30 बिलियन पैरामीटर ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर आधारित है, जो टेक्स्ट को वीडियो और ऑडियो में परिवर्तित कर है। ये 16 फ्रेम प्रति सेकंड की गति से 16 सेकंड के वीडियो बना सकता है। फिलहाल ये टूल टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ शहर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कतर एयरलाइंस, ऑप्शन बी है सिंगापुर एयरलाइंस, ऑप्शन सी है एयर इंडिया, ऑप्शन डी है विस्तारा एयरलाइंस। इसका सही उत्तर है सिंगापुर एयरलाइंस। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है नमो जलयान मिशन, ऑप्शन बी है कल्याण पर्यटन मिशन, ऑप्शन सी है क्रूज विहार मिशन, ऑप्शन डी है क्रूज भारत मिशन। इसका सही उत्तर है क्रूज भारत मिशन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। निम्न देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 80.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 86 डिग्री, ऑप्शन सी है 84 डिग्री, ऑप्शन डी 81 डिग्री। इसका सही उत्तर है 86 डिग्री। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 178 फीट, ऑप्शन बी 189 फीट, ऑप्शन सी 153 फीट, ऑप्शन डी 173 फीट। इसका सही उत्तर 173 फीट। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, राजू पटेल, अमन कुमार, विजेंद्र कुमार, प्रमोद मंडल, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, रवि कुमार राम, कृष्णा प्रसाद, नीतीश कुमार, रामनवमी मांझी, गुड्डू कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, विद्यासागर, रवि कुमार राज, अब्दुल मनन, कोनर शर्मा, नाथ साजन, मनीष कुमार, जितेंद्र ठाकुर, परशुराम सिंह, आलोक प्रियदर्शी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जदयू ने सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।